हमेशा हमको जाना पड़ता है डॉक्टर्स के पास, तो वहां सब एक्टिंग रह जाती है, रियलिटी आती है सामने। सो मेरे दोस्त सुरेश शर्मा जी जो हमारी लाइन से कनेक्टेड रहे हैं, इनके साथ हमने काम किया है एज एन एक्टर। कल मुझे एक फोन आया हमारे सेक्रेटरी साहब का कि भाई यहाँ जाना है, तो मेरी डबिंग की वो मैंने छोड़ के यहाँ पर आया हूँ। मैंने कहा यार मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं रहूँगा, क्योंकि यहाँ तक आने में इतना टाइम लग जाता है, अंधेरी वेस्ट से ईस्ट में आने में कम से कम एक घंटा लग जाता है। बट इट्स अ ग्रेट प्लेजर आई एम टेलिंग यू, आई वुड लाइक टू थैंक्स सचिंदर शर्मा, सुरेश शर्मा जी, आलोक के मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया, मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी एक फिल्म थी वेलकम जो 7 साल पहले आई थी, अब वो वेलकम बैक आ रही है अभी नेक्स्ट सितंबर। तो मैं उसके यहाँ पर ऐसा कुछ प्रमोशन के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन ज्यादातर हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हम चाहते हैं कि हमारी जो हम लोग फिल्मों में काम करते हैं या जो भी फिल्में हम इंडस्ट्री वाले देते हैं लोगों को, ज्यादा से ज्यादा फिल्में लोग देखें और ज्यादा से ज्यादा फिल्मों को पसंद करें। उस वेलकम पहले जो वेलकम थी उसमें मैं लंगड़ा होता हूँ, मुझे लंगड़ा बना दिया जाता है। नाना पाटेकर किसी को डराना होता पार्टी सामने वाले को, तो वो मुझे बोलता है बता बल्लू, और बल्लू शुरू हो जाता है कि मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, लेकिन एक दिन मेरे मुंह से उदय भाई के लिए कुछ गलत निकल गया, तो मजनू भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के टुकड़े टुकड़े कटा दिए, लेकिन दिल के अच्छे हैं, फौरन मुझे अस्पताल लेके गए, मेरा ऑपरेशन कराया, नई टांग लगवाई और मुझे घर तक छोड़ गया। बस 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 इतना काम, उसके बाद कहानियां बस बसती हैं और आपने बजा भी दिया। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक्स फॉर द डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स जिनको अवार्ड्स मिल रहे हैं, और ये अवार्ड्स मिलते रहें और आप अच्छा काम करते रहें और हमारी हालतें सुधारते रहें, कि हम एक्टर्स जो हैं हमेशा हॉस्पिटल आते जाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। सो हॉस्पिटल ऑफ द ईयर बेस्ट हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी अवार्ड गोज टू नवरोज वाडिया मैटरनिटी हॉस्पिटल। सर ये तो आपको यहाँ के डॉक्टर ज़्यादा अच्छे बात बता पाएंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है तो ये जो CIMS अवार्ड्स जो हॉस्पिटल्स जिन्होंने अच्छे काम किए हैं उनको अवार्ड दिया जा रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। ये कंपटीशन इसमें बढ़ता है कि अगर किसी भी चीज़ को, जिस तरह हम स्पोर्ट्स में देखते हैं कि जो अच्छा खिलाड़ी होता है उसको एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर दिया जाता है, तो उसी तरह से यहाँ पर ये कंपटीशन जैसे कि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको अवार्ड दिया जाए। तो अवार्ड से एक जो है, ये अवार्ड सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप अवार्ड लो और घर में कप लेके रख जाओ, नहीं, अवार्ड्स का मतलब ये है कि आप आपने अच्छा, जितना अच्छा आप काम करेंगे
जितना जो भी जिस फील्ड में भी आप हैं तो उसके लिए आपको इनाम दिया जाएगा, तो वो एक फिर कॉम्पिटिशन बनेगा उसके अंदर मेरे लिए। वो दर्जा है उनको, बाकी दूसरे फील्ड में तो एक टाइम होता है कि भाई टाइम में अपना काम खत्म निकल गए, लेकिन डॉक्टर्स ऑल द टाइम दे आर रेडी, दे शुड बी रेडी। तो वो उनकी एक ऐसी पोजीशन है, तो वो उनको तो इज्जत देनी चाहिए, और मैं हैट्स ऑफ करता हूँ डॉक्टर्स को। और ज़्यादातर डॉक्टर्स 90-95% डॉक्टर्स जो हैं बहुत अच्छे होते हैं और अपनी ड्यूटी में पक्के होते हैं। आपकी वेलकम बैक आ रही है, और उसमें क्या पिछले वेलकम से इस वेलकम बैक में कॉमेडी का असर कितना बढ़ने वाला है? आई थिंक ये जो वेलकम है ये और भी अच्छी है, पहली वाली वेलकम से थोड़ा और भी अच्छी है इसमें। और ज़्यादातर डायरेक्टर ने जो अच्छा काम किया है और राइटर्स ने अच्छे सीन्स लिखे हैं, लेट्स होप कि ये भी अच्छी जाएगी। वेलकम बैक के अलावा अगर बात करें तो और किस किस प्रोजेक्ट में? मेरी एक और 7 अगस्त को एक फिल्म रिलीज होने वाली है जो कि सच्ची घटना पर आधारित है, उसका नाम है काला सच, द ब्लैक ट्रूथ। वो फिल्म 7 अगस्त को रिलीज होने वाली है, वो देखिएगा, बहुत अच्छी फिल्म है। वो धनबाद में जाके हमने शूट किया, टोटली डिफरेंट फिल्म है, सच्ची कहानी पे, जिस तरह से मतलब हमारे यहाँ औरतों के साथ जो नाइंसाफी होती है और उनके साथ जो ज़्यादती होती है, उनके साथ रेप की होता है, उनके साथ मतलब बेईमानी होती है, उनको सताया जाता है। और एक ऐसी औरत की कहानी है वो, जिसको कि डायन बता करके गांव से निकाल दिया जाता है, लोग उसको रेप करते हैं, उसके साथ गलत करते हैं, और जब वो उसका विरोध करती है तो उसको डायन बना करके उसको गांव से निकाल दिया जाता है, उसकी कहानी है काला सच। मुश्ताक खान हियर, आई विश आनंदम टीवी फॉर बेस्ट। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत खुश हूँ। हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत अवार्ड्स जीते हैं, पर ये जो सिम्स हेल्थ केयर एक्सलेंस अवार्ड है ये हमारा पहला टाइम है। बहुत ही खुश हूँ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, यू नो, ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मैं बहुत ही खुश हूँ कि ऐसे अवार्ड, ऐसे अवार्ड मिलने से जैसे उन्होंने पूछा वो हौसला बढ़ता है, तो और ही एक्सेलेंट काम करने में हम जुटे रहेंगे। कि अपनी स्किन जो रहती है वो बहुत प्रेशियस है, उसका रोज ठीक से देखभाल करना चाहिए, स्किन केयर इज वेरी इम्पोर्टेंट। सबसे पहले तो यूबीएम मेडिका और सिम का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि हेल्थ केयर के सेक्टर में काम करने वाले तमाम स्टेक होल्डर जो है, डॉक्टर्स है, हॉस्पिटल्स है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, इन सभी का एक अवार्ड फंक्शन यहाँ पर रखा जाता है, जिसके कारण निश्चित रूप में आने वाले समय में और अच्छा और बेहतर काम करने के लिए एक हौसला इन सारे स्टेक होल्डर्स का बढ़ेगा। मैं इस अवार्ड फंक्शन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जैसे कि मैंने कहा कि हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है कि जो हर व्यक्ति को केवल नहीं तो हर ह्यूमन बीइंग को, जो जो जीवित प्राणी है उनको, सबको लागू होता है, और हम सबका ख्याल रखते हैं ये हेल्थ केयर के अंदर काम करने वाले सारे स्टेक होल्डर्स। ये अवार्ड फंक्शन एक निमित्त होता है कि इन सबको सलाम करने का कि आपके आपके कारण ही हम सब आरोग्यमय जीवन जीते हैं। और मैंने ये भी विनती की है सारे लोगों को कि इनोवेशन लाने की आवश्यकता है जिससे कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ केयर मिले। आज गरीब आदमी का को मेडिकल फैसिलिटी लेना बहुत महंगी हो गई है, और इसलिए इस प्रकार के इनोवेशन लाए जिसके कारण कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ केयर हम सबको मिले।
हेलो एवरीबॉडी द वन सेकेंड ओके द इवेंट हमारा आज का इवेंट बहुत अच्छा रहा. ये हमने पिछले साल हेल्थ केयर अवार्ड्स लॉन्च किए थे और इस साल हमने उसके कंटिन्यूएशन में फार्मा एक्सीलेंस अवार्ड्स भी स्टार्ट किए. सो हमारी यही कोशिश है कि हम सारे अलग अलग स्पेशलिटीज़ में हेल्थ केयर में और अलग अलग फार्मा कंपनीज को हम एक्सीलेंस अवार्ड्स दे के मोटिवेट करें, उनके बीच में हेल्दी कंपटीशन हो और जिसकी वजह से एंड रिजल्ट से पेशेंट्स को बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिले. सो हमारा इवेंट दो दिन का है, कल भी अभी हमारी कॉन्फ्रेंस है और ये कॉन्फ्रेंस का फिफ्थ ईयर है और इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसमें सारे डॉक्टर्स, फार्मा कंपनीज, वेरियस कंसल्टेंट्स, बिजनेस इन्वेस्टर्स सब एक रूफ के अंडर आके आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, नॉलेज शेयरिंग कर सकते हैं और बेटर प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं. मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो आम जनता के लिए कोई ऐसी जी, जैसे मैंने बोला कि हम UBM मेडिका जो है हमारी कंपनी एक्चुअली वी आर द लीडिंग हेल्थ केयर मीडिया कंपनी. हमारे पास ड्रग इंफॉर्मेशन, मेडिकल एजुकेशन, पेशेंट एजुकेशन की लीडिंग कंपनी है जो हम डॉक्टर्स की एजुकेशन करते हैं, पेशेंट्स की एजुकेशन करते हैं जिससे पेशेंट्स जब बेटर इन्फॉर्म्ड होते हैं देन दे कैन टेक बेटर डिसीजंस रिगार्डिंग हेल्थ केयर. और जब ऐसी प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करने से हम डॉक्टर्स के और हेल्थ केयर कंपनीज के बीच में भी एक हेल्दी कॉम्पिटिशन लाते हैं जिसकी वजह से वो बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं इन मोर कॉस्ट इफेक्टिव वे. देखिए आजकल के टाइम में बहुत अच्छी क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस देना और कम कॉस्ट में देना यही सबसे बड़ा चैलेंज है. हम अपनी ऐसी एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए से ऐसे मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स को लाके यही सेशंस रखते हैं कि कैसे हम कम कॉस्ट से भी प्रॉफिटेबली हॉस्पिटल्स चला सकें और अच्छी मैनेजमेंट सर्विसेज दे सकें. यही मेरा भी यही कहना है इस मामले में कि हमारे जो कॉन्फ्रेंस होती है यहाँ पे सिर्फ कोई बड़े बड़े हॉस्पिटल ओनर्स ही नहीं आते हैं, यहाँ पे वो भी आते हैं जिनके छोटे क्लिनिक हैं, जिनको कल अपना बड़ा अस्पताल डालना है. तो ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ एक डॉक्टर है जिनको अपना क्लिनिक डालना है, वो यहाँ पे आके ऐसे सोल्यूशंस लेते हैं जिनसे वो जाके वहाँ पे छोटी सी जगहों में, रिमोट प्लेसेस में, बड़ी जगहों में अपने क्लिनिक एस्टेब्लिश कर सकें और कॉस्ट इफेक्टिव दाम में मेडिकेशन प्रोवाइड कर सकें.